ईटक ने घुमारवीं में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान ईटक के नेताओं ने भवन निर्माण एवं कामगार मजदूर संगठन के सदस्यों का लेबर डिपार्टमेंट में पंजीकरण का कार्य अधर में लटकने से मजदूरों को सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया। इसके अलावा ईटक ने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी व कर्मचारियों पर राजनीतिक आधार पर मजदूर वर्ग को परेशान करने का भी आरोप लगाया। ईटक व भवन निर्माण एवं कामगार मजदूर संगठन के नेताओं का कहना है कि जिला बिलासपुर में हजारों मजदूरों के पंजीकरण के दस्तावेज लेकर डिपार्टमेंट के अधिकारी व कर्मचारियों के टेबलों पर पड़े हुए हैं, जिनमें से राजनीतिक आधार पर चुन चुनकर मजदूरों का पंजीकरण किया जाना असहाय मजदूरों का शोषण है। जिला बिलासपुर के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र झंडुता के मजदूरों का पंजीकरण वर्ष 2015 से लंबित पड़ा हुआ है, जिसके प्रति ईटक एवं भवन निर्माण एवं कामगार मजदूर संगठन के नेता कई बार आग्रह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजदूर संगठन के नेताओं ने संबंधित विभाग लेबर डिपार्टमेंट व प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि शीघ्र ही जिला बिलासपुर में मजदूरों के द्वारा पंजीकरण के लिए किए गए आवेदनों का पंजीकरण करवाया जाए, नहीं तो बिलासपुर में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी व कर्मचारियों का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी पूरी विभाग की होगी। हमारा संगठन की राजनीतिक पार्टी के मजदूर की बात नहीं करता है, किसी जाति की बात नहीं करता है, धर्म की बात नहीं करता है। हमारा संगठन जो है वो दिन रात ये करता है, परंतु हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोग राजनीतिकरण करके इस प्रकार की बात जिससे हमारे मजदूर का शोषण हो रहा है और बात जो है वो अच्छी नहीं है। हमने 16 मार्च 2017 को भी एक बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ी रैली बिलासपुर के अंदर की, और उसमें हमने बता दिया था कि जो मजदूर हैं उनमें कितनी ताकत है। हम ट्रेड यूनियन के नेता होने के नाते बता देना चाहते हैं, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई राजनीतिज्ञ है, चाहे कोई कर्मचारी है, अगर मजदूरों का शोषण करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और संघर्ष के लिए जो है हम तैयार रहेंगे। जैसे मालूम हुआ है कि हमारे बहुत सारे जो बड़े हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं धर्म सिंह सहगल, जिला बिलासपुर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मजदूर जिला बिलासपुर का वरिष्ठ प्रेजिडेंट हूँ, और जिला बिलासपुर में श्रम कल्याण अधिकारी जो बैठे हैं वो मनमान रहे हैं, और हमारे जो मजदूर कम से कम आज हुए हैं टिक के माध्यम से और उनके कुछ क्लेम निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा जो बड़ा हुआ है और लेबर अधिकारी जानबूझकर जो है लीता पोथी कर रहे हैं, और इसलिए इंटक भारी रोष है और हम इसका कर, और हम आने वाले समय में इसके लिए हड़ताल घेराव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने मजदूर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड में रजिस्टर्ड है और खासकर कोटधार पंचायतों के अंदर पिछड़ा वर्ग का जो मजदूर कामगार है उनका शोषण जमकर हो रहा है, जो कर रहे हैं अधिकारी लोग, और इस अंदर आज इंटरव्यू में हमारी अधिकारियों की मीटिंग हुई और इसमें निर्णय लिया कि हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार अभी और ऑफिस इसका भी घेराव रहे इन्हीं शब्दों का। हेलमा पंडित इंटक की जिला कार्यकारिणी और झंडुता ब्लॉक से मैं प्रधान भी हूँ। पंचायत में लगभग 90% जो महिलाएं से जुड़ी हुई हैं, और हमारे यहाँ से 2015 हमारे मजदूर जो ऑफिस है बिलासपुर, हमारी महिलाओं के क्लेम आ रहे हैं, और मेरी गुजारिश है कि उनके क्लेम जो है वो दबाए जाए, ना कि वहाँ पे राज, क्योंकि और पंचायतों से भी लोगों के सिफारिश के आधार पर क्लेम उठाए जा रहे हैं और लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। पंचायत में सबसे ज्यादा जो महिलाएं और पुरुष, उनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा है और उनके जो राइट, मुख्य मुद्दा जिला बिलासपुर के जो लेबर अफसर है उनके ऊपर फोकस रहा। उन्होंने पिछले साल हमारी एक मीटिंग ली थी जिला की, और उसमें माना था कि जितने भी क्लेम पिछले पेंडिंग है सब भेजेंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2015-16 भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और विशेषकर झंडुता ब्लॉक के जो है 3000 के जो क्लेम है, चाहे उसमें एजुकेशन के हैं, चाहे उसमें मेडिकल के हैं, चाहे उसमें मैरिज के हैं, कोई भी पसनी की, और दो घुमारवीं और सदर में तो भट गए, लेकिन झंडुता के जो क्लेम है वो अभी तक नहीं भटे हैं। और जिला बिलासपुर के जो लेबर अफसर है ये पिक एंड चूज की पॉलिसी कर रहे हैं और जानबूझ के एक इलाके को डिप्राइव कर रहे हैं, क्योंकि इलाका है कोटधार और वहाँ के आदमियों को जानबूझ के ये क्लेम नहीं बांट रहे। बाकी जहाँ तक दूसरी जगह की बात है, वहाँ पर